नाजरीन आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। हमजा शहबाज की अहलिया होने के दावेदार आयशा अहद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में तर्जुमान हमजा शहबाज ने कहा कि आयशा अहद का किरदार पीटीआई ने गुज़िश्ता इलेक्शन में पसे पर्दा रहकर तख्लीक किया था। इतने अरसे बाद पीटीआई की खवातीन के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हमजा शहबाज पर इल्जामात बेबुनियाद थे, चुनांचे उन्होंने इसकी सरेआम तर्दीद की। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इमरान खान पर इल्जामात हकीकत हैं, वो अब तक इल्जामात की एक दफा भी वाज़ेह तर्दीद नहीं कर सके। पीटीआई जवाब इल्जामात की बजाय अपने लीडर से बेगुनाही साबित करने की अपील करे। तर्जुमान हमजा शहबाज का यह भी कहना था कि आयशा अहद के सरप्रस्त इस केस को 2012 में भी अदालत लेकर गए थे, जहां उनको मुंह की खानी पड़ी थी। अदालत इस केस में आयशा अहद को फरवरी 2014 में झूठा करार दे चुकी है। जिन लोगों ने आयशा अहद को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपने गिरेबान में झांके। इमरान खान इखलाकी दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं।